वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। अभी हम बात करेंगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है और कल तीसरा दिन है। इमरान भाई किस तरह देख रहे हैं, अगर कल हमारी पहले सेशन के अंदर बांग्लादेश के बैट्समैन जिस तरह मुहतात अंदाज में उन्होंने अपना आगाज किया आज भी, और अगर कल भी इसी तरह वो खेलते रहे तो टी तक अगर कोई आउट नहीं होता तो मेरे ख्याल से मुश्किल पेश आएगी पाकिस्तान बॉलर को, और पाकिस्तान ने रेगुलर स्पिनर तो कोई खिलाया नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि कल अगर मैं इब्तदा में भी आपको कहा था कि अगर कल पहला सेशन अगर बांग्लादेश की टीम सर्वाइव कर जाती है और एक विकेट उनकी गिरती है जी, और फिर अगर पहला सेशन सर्वाइव करने के बाद बॉल पुराना हो जाएगा थोड़ा, स्पिनर एक तरह से सलमान अली आगा बॉलिंग करते रहेंगे जी, जी। से भी शायद बॉलिंग करेंगे। मुझे लगता है कि पुराने गेम में अगर नसीम शाह रिवर्स स्विंग करते हैं वो शाहीन रिवर्स स्विंग में मदद नहीं मिलेगी, लेकिन नसीम शाह के अंदर ये क्वालिटी है कि वो पुराने गेंद को इस्तेमाल करके रिवर्सिंग करें और ट्रैप करें शायद बांग्लादेशी बैट्समैन को, तो अगर वो कामयाब हो गए बॉल को बनाने के अंदर, मैं वो टेम्परिंग वाला बॉल नहीं कह रहा, बॉल शाइन करने में साइड को रफ करने के साथ वो स्विंग रिवर्सिंग करने में कामयाब हुए, और एक लाइन जो उनकी टिपिकल एक उनके पास एक है कि वो मिडिल स्टंप पर ज्यादा टारगेट रखते हैं, तो आप पूरे फोकस के साथ अगर खेलते रहे बांग्लादेशी जहां पर वो हल्का सा चुकेंगे ना जी जी। तो मुझे लगता है कि बंगाली जल्दी देर एक दो विकेट गिरेंगी तो मुझे लगता है कि प्रेशर उनके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आई थिंक सो के शायद पाकिस्तान टीम फॉलो ऑन ना कर पाए जी जी। और फिर से पाकिस्तान को आना पड़े। अगर मैं एक और भी बात बताऊं, अगर पाकिस्तान को फॉलो ऑन हो गया, सॉरी बांग्लादेश को फॉलो ऑन हो गया तो पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आएगी, उसकी रीजन भी पूछ रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि शाहिद मसूद को मौका नहीं मिला बैटिंग करने का, तो वो हालांकि मैं अगर हूं ना एज ए कोच तो मैं दोबारा फिर से बांग्लादेश को खिला दूं, लेकिन शाहिद मसूद ऐसा नहीं करेंगे, वो खुद से दोबारा से खेलने आएंगे और फिर से वो चाहेंगे कि वो भी 50-60 करें 100 करें, वो ये बता सकें कि हाँ उनमें भी अभी बैटिंग बाकी है, वो भी अच्छे टच के अंदर है जी जी। तो मेरा ख्याल है कि चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता वेदर भी पिंडी का इतना अच्छा वेदर नहीं है बिल्कुल, कभी भी 5 दिन के ही महकमा मौसमियात ने बारिश का बताया, तो बारिश कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, तो अब कल मुझे लग रहा है कि स्पिनर की जो कमी है ना वो बड़े दिल से और शिद्दत से गैरी क्रिस्टन को और जैसन गिलेस्पी को, सॉरी गैरी क्रिस्टन तो नहीं, अब जैसन गिलेस्पी को जो है वो जी जी। बड़ी शिद्दत से ये महसूस होगा कि वो जो है वो स्पिनर खिलाते, देखिए जैसन गिलेस्पी का जो मेंटल अप्रोच है वो एज अ फास्ट बॉलर है बिल्कुल, और आप अपने साथ देखें अजहर कैट वो भी एज अ मीडियम पेसर सारी क्रिकेट उन्होंने खेली, आपके जो फास्ट बॉलिंग कोच है, तो मुझे लगता है कि ये फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो यही इसी माइंड सेट से आता है। मतलब पूछे यार आप क्या पर्थ की विकेट के ऊपर मैच खेल रहे हैं जी जी। क्या आप साउथ अफ्रीकन विकेटों के ऊपर मैच खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के ऊपर मैच खेल रहे हैं कि आप चार्जर, और फिर आप ये भी देखें कि आप दो नए फास्ट बॉलर के साथ आ रहे हैं, चले शाहीन और रसीम को तो एक्सपीरियंस है कि वो अब कहीं ना कहीं बैट्समैन को एक ट्रैप भी कर सकते हैं, एक लाइन में लाके फंसा भी सकते हैं, तो कुरम और अली नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छा डोमेस्टिक में मोहम्मद अली जो उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन आप पहले टेस्ट मैच से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते ही 10 विकेट ले लेंगे, वो मोहम्मद जाहिद ही था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जिसने डेब्यू किया था बिल्कुल, उसने 10 विकेटें हासिल, ये वो ना तो वो टेम्परामेंट है ना वो स्किल्स है और ना ही वो उनके अंदर वो रिदम है कि वो आते ही पहले 10 मिनट में 5-4 बजे लगाए और जनाब 10 विकेट। मोहम्मद जाहिद के बारे में तो शुएब अख्तर ने भी कहा हुआ है ना कि वो बहुत तेज थे, देखिए मोहम्मद जाहिद की क्लास थी वो एक अलग बात है कि किस पॉलिटिक्स में किस सियासत में, तब हम थोड़ा यंग बहुत यंग क्रिकेटर थे हमें पता था, लेकिन बाद में पता चला कि किस सियासत का हिस्सा बने, किस तरह ऑस्ट्रेलिया में उनको वेस्ट किया गया, उन्हें लंबी बॉलिंग करवाई गई, उन्हें अनफिट किया गया, तो ये अब भी वो आकर बताते हैं कभी कभी उनसे अगर बात होती है तो वो यही बताते हैं कि यार मुझे समझ नहीं थी कि किस तरह से मुझे इस्तेमाल किया गया और किस तरह से मैं इस्तेमाल हो गया, तो मुझे लगता है कि कल वाला दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा कल वाला दिन डिसाइडेड दिन होगा, कल आप शाम को जब प्रोग्राम करेंगे ना जी तो आप ये किसी पोजिशन में होंगे कि ये मैच किस साइड में जा रहा है, आज आप इस साइड में नहीं है, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कल, आज भी आप मैं भी डाउटफुल हूँ, हर कोई डाउटफुल है कि जिस तरह से बांग्लादेश ने आगाज किया 27 पे कोई आउट नहीं है बिल्कुल, और इस पिच के ऊपर तो बॉलिंग पिच कह रहे थे और तगड़ी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट आपने उनकी कोई विकेट हासिल नहीं किया बिल्कुल, तो कल वाला डिसाइड होगा।
शान मसूद की सेकंड असाइनमेंट है, इससे पहले आपको पता ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा उन्होंने कप्तानी की और वहां भी नाकाम होके आए हैं और ये उनकी दूसरी असाइनमेंट है। अगर इधर भी खुदा ना खासा हम ड्रा की तरफ जाते हैं या 1-0 से जीते हैं या 2-0 से हम ड्रा ही होते हैं, तो किस तरह आप रेट कर रहे हैं उनकी कप्तानी को? क्या आपको सोचना पड़ेगा हमें अगले कप्तान के लिए? देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया उस कैलिबर का कैप्टन नहीं है जिस कैलिबर का आप सोच रहे हैं। अगली सीरीज जब ये सीरीज खत्म होगी तो मैं देखिए ड्रॉ भी अगर कर जाता है ना बांग्लादेश, जो कि अगर वेदर उनका साथ दे, वेदर कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे सीरीज के अंदर जी जी, कि वेदर कैसा रहता है। अगर अनएक्सपेक्टेड ज्यादा बातचीत हो जाती है तो फिर आपको यहाँ पर मसाइल होंगे मैच जीतने के लिए, क्योंकि आज बांग्लादेश ने पहले सेशन में शो कर दिया कि वो एक अच्छी बैटिंग और एक तगड़े माइंड सेट के साथ आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आता है कराची वाला, जब आपको पता है वेदर कंडीशन ऐसी है जी जी, पुल के अंदर मौसम खराब है, बारिशें हैं, आपके पास एक वेन्यू बचता था, पता आपको कौन सा? मुल्तान। बिल्कुल, वाई नॉट मुल्तान? और मुल्तान आप ना वहां पर आप स्टेडियम तामीर कर रहे हैं ना आपको वहां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस करवाने जी जी भाई, आप ये दोनों मैच उठा के मुल्तान ले जाते हैं, मुल्तान वाले भी खुश हो जाते हैं, वहां पर क्राउड भी ज्यादा, ऑडियंस भी आती है, चार्ज क्राउड होता है वहां पर, लोग ज्यादा देखने आते हैं। गर्मी की बात अगर आप करें, कुछ लोगों ने कहा यार ह्यूमिडिटी बहुत होगी, मुल्तान के अंदर हब्स होगी, तो भाई कराची में भी तो हब्स ना, कराची में क्या कम हब्स होती है इस मौसम के अंदर? तो कराची में भी हब्स ज्यादा हो जाती है। टाइम कम है, मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं जय शाह और चैंपियन ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में होनी है, जो किस तरह देख रहे हैं आपको कि पाकिस्तान को इसका नुकसान तो नहीं कहीं होगा? नहीं, पहली बात तो आपने कहा होने जा रही है, हमें अवार्ड हो गई, बजट मिल गया, अक्सर आई हैव सम डाउट्स पाकिस्तान के अंदर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो। इमरान भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको पता है कि एशिया कप में भी हमारे चेयरमैन जो तब थे नजम सेठ साहब, उन्होंने कहा था इंडिया पाकिस्तान ही आएगी और दोबारा फिर हम इंडिया से हम वो कहते हैं ना घुटने टेक दिए, हम श्रीलंका चले गए, और इस दफा तो इस तरह तो नहीं हम करने वाले कुछ? अच्छा देखिए मैं देखिए बात आपको बताऊँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब नजम सेठ ये अनाउंस करने आए थे तो सारे साथी उनके अगेंस्ट थे कि ये क्या हो गया, आप तो कह रहे थे यहाँ पर होगी पूरी, अब आप हाइब्रिड मॉडल ले आए, तो मैंने वहां पर उनको मुबारकबाद दी और मैंने कहा कि आपकी एफर्ट्स को इस एज के अंदर भी मैं मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने एफर्ट की और आपने हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैचेस पाकिस्तान में रोके, यकीन करें अगर वो हाइब्रिड मॉडल हम इंट्रोड्यूस नहीं कराते ना तो वो सारे के सारे मैचेस बाहर हो। तो नजम सेठी ने कहा कर यार मेरे हाथ से कोई तो बोले, मैंने कहा आपके हक में जरूर बोला लेकिन हाइब्रिड मॉडल, अब वो वाला जो इश्यू है ना हाइब्रिड मॉडल वाला, उसकी प्ली इंडिया यहाँ पर लेगा फिर से। और मैं आपको खबर मैंने पहले भी दी, आपको ये भी बता दूं कि कोलंबो श्रीलंका के अंदर ये वेन्यू डिसाइड हो चुका है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मैच नहीं होंगे, जो कि ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो चुका है कि इंडिया नहीं मानेगा और उसके मैचेस श्रीलंका के अंदर कोलंबो कोलंबो का जो स्टेडियम है प्रेमदासा आई थिंक स्टेडियम है वो, वहां पर वो मैचेस खेले जाएंगे और वहीं पर इंडिया अपनी दीगर टीमों के साथ मैच में। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अब कल तीसरा दिन शुरू होने जा रहा है और देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग किस तरह बॉलिंग करती है, और अभी तक बांग्लादेश की साइज के ऊपर कोई आउट नहीं है और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग किस तरह बॉलिंग कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान चार फास्ट बॉलर के साथ गया और पाकिस्तान एक भी रेगुलर स्पिनर के साथ नहीं गया हुआ, और पार्ट टाइम स्पिनर आगा सलमान है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की अगर बैटिंग देखें तो मोहम्मद रिजवान 171 रन पर नॉट आउट रहे हैं, और उसका साउथ शकील ने बड़ी जारहाना इनिंग खेली है 141 रन, और साइम अयूब ने आज अपना पहला 50 किया है। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।